दोस्तों बहुत स्वागत है आपका नमस्ते इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपका दोस्त नवीन शर्मा। हम बात कर रहे हैं दोस्तों मौसम विभाग के लेटेस्ट अपडेट की। मौसम विभाग ने लेटेस्ट अपडेट जारी किया है मानसून 2019 के लिए। आइए जानते हैं इस लेटेस्ट अपडेट को विस्तार से। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा, आपने वीडियो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन दबाएं, जैसे अपडेट रहे आप देश की सभी बड़ी एवं अलर्ट खबरों से। चलते फटाफट अपडेट की ओर, क्या है मानसून को लेकर अपडेट, आइए जानते हैं। दोस्तों मानसून के लिए मौसम विभाग ने भविष्यवाणी जारी की है। भारतीय मौसम विभाग ने अगले महीने मानसून का पहला अनुमान जारी करने को कहा है, यानी कि 15 तारीख तक लगभग मानसून की डेट डिक्लेयर हो जाएगी। सामान्य औसतन या फिर अच्छे मानसून का मतलब है कि 50 साल की लंबी अवधि के औसतन का लगभग 96% से 104% बारिश का होना, इसे अच्छा मानसून कहा जाता है। दोस्तों इस साल देश में जोरदार बारिश हो सकती है। भारत के मौसम विभाग ने अल नीनो को लेकर दुनिया भर की एजेंसियों की आशंकाओं को सिरे से खारिज कर दिया है, यानी कि भारत पर जो अल नीनो का प्रभाव नहीं रहेगा, यह मौसम विभाग का कहना है। इससे पहले अमेरिकी और ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों के मौसम एजेंसियों समेत भारत में स्काईमेट ने भी मानसून की चाल पर अल नीनो के असर की आशंकाएं जताई थी। दोस्तों भारत मौसम विभाग के महानिदेशक के जे रमेश ने साफ तौर पर कहा है कि इस साल अच्छी बारिश हो सकती है, और हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि फिलहाल मानसून के पैटर्न के बारे में कुछ बोलना जल्दबाजी होगी। लेकिन अल नीनो के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि कोई भी अभी तक का मजबूत अल नीनो की बात नहीं कर रहा है। सवाल यह है कि क्या हालात फिर से बदलने लगे हैं कि क्या अच्छा मानसून होगा। दोस्तों सामान्य औसतन या फिर अच्छे मानसून का मतलब है कि 50 साल की लंबे अवधि के औसतन का लगभग 96% से 104% बारिश का होना। 50 साल में औसतन बारिश 4 महीनों में मानसून के दौरान 89 सेंटीमीटर अथवा 35 इंच बारिश होती है। अच्छे मानसून की यह परिभाषा मौसम विभाग द्वारा दी गई है। वहीं 90% से कम बारिश देश में सूखे की स्थिति रहती है। दोस्तों मानसून का सीधा असर ग्रामीण आबादी पर पड़ता है। मानसून सामान्य और अच्छा रहने से ग्रामीण इलाकों में लोगों की आय बढ़ती है, जिसमें मांग में भी तेजी आती है। ग्रामीण इलाकों में आय बढ़ने से इंडस्ट्रीज है उनको भी फायदा मिलता है और महंगाई पर जो है लगाम लगती है। अच्छे मानसून से जहां देश के कई आर्थिक संकटों में सुधार होता है, वहीं इस दौरान सरकार को महंगाई के क्षेत्र में बड़ी राहत देखने को मिलती है। दोस्तों अच्छे मानसून से देश में बैंकिंग व्यवस्था को मजबूती मिलती है। देश में ज्यादातर किसान खरीफ फसल के लिए कर्ज की व्यवस्था सरकारी, कोऑपरेटिव अथवा ग्रामीण बैंकों से करते हैं। मानसून बेहतर होने की स्थिति में इन बैंकों को कर्ज पर जो है समय पर पैसा दे दिया जाता है, इनकी वापस मिल जाता है और उन्हें अपने एनपीए को काबू करने में मदद मिलती है। वहीं किसानों की बड़ी आमदनी से भी बैंकों को अपना ग्रामीण शाखाओं के खाते में अच्छी सेविंग्स मिलती है, जिससे गैर कृषि क्षेत्र को नया कर्ज देने का काम आसान हो जाता है। वहीं दोस्तों मानसून और खपत आधारित सेक्टर में सीधा संबंध है, और मानसून अच्छा राहत है तो कंजप्शन बेस्ड सेक्टर में मांग बढ़ेगी। वहीं ग्रामीणों की खरीदी की क्षमता बढ़ने से कृषि उपकरण निर्माता, टू व्हीलर्स और ट्रैक्टर निर्माता कंपनियों के साथ ही केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स और एनपीएससीजी कंपनियों की आय भी बढ़ने की उम्मीदें होती है। वे अच्छे मानसून का फायदा बैंकों और फाइनेंशियल सेक्टर को मिलता है, और आय बढ़ने से इन सेक्टर में कारोबार बढ़ेगा, जिससे इन सेक्टर्स की कंपनियों के शेयरों में तेजी आएगी, जिससे पूरे देश में शेयर बाजार जो है फायदा होगा और देश आर्थिक संकटों से मुक्त होगा। तो दोस्तों फिलहाल मानसून के लिए मौसम विभाग ने कहा है कि अच्छा मानसून उम्मीदें हैं भारत में होने की, साथ ही अल नीनो के प्रभाव से जो है अभी भारत का मानसून जो है अछूता है, और इसके लिए 15 अप्रैल तक जो है मानसून अपना अपडेट जारी करेगा। पहले तारीख की संभावित किस तारीख से शुरू होगा मानसून, साथ ही अल नीनो के प्रभाव को भी और अच्छी तरह से क्लियर करेगा। तो दोस्तों लेटेस्ट अपडेट मौसम विभाग का मानसून के लिए। वीडियो को आप इसलिए शेयर करें ताकि सब लोग जान सकें मानसून की इस लेटेस्ट अपडेट को, वह सावधान सतर्क रह सके। स्टूडियो में इतना ही, फिर आपके लिए उपस्थित होंगे नई जानकारी के साथ। तब तक लिए दोस्तों खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते इंडिया।